दुनिया में दिल जिसने मेरा तोड़ा नहीं, हमें गैरों ने भी लूटा है और अपनों ने भी छोड़ा नहीं। अरे कोई नहीं है दुनिया में जिसने दिल को तोड़ा नहीं, मुझे गैरों ने भी लूटा है और छोड़ा नहीं। अरे हम थे कल, हम कल नहीं थे जो आज बन गए। अरे धोखेबाजों में रह रहे थे, धोखेबाज बन गए। अरे धोखेबाजों में रह रहे थे, धोखेबाज बन गए। अरे बड़े थे मासूम बेलिहाज बन गए, तो धोखे बाजों में रह रहे धोखे बाज बन गए। ये प्रोग्राम जल विहार मेला महोत्सव में है और ये जितने भी दरबार हमारे सामने विराजित हैं, इन दरबारों में नमन करते हुए, क्योंकि इन सबका जल विहार हुआ है और जल विहार हो रहा है, इसलिए सुनिएगा पहला गीत जल विहार महोत्सव में दे रहा हूँ। सुनिए सुनिए सुनते रहिए। शिवनाथ सहाई राम नाथ, यह नांडिया के पैरों की आवाज। वाह बेटे, जय हो भोलेनाथ। क्या बात है बेटे, जियो बेटे जियो, शाबाश, वाह। अभी आप लोग देख रहे थे कि हमारे देश में आज भी कई दरबार हमारे गणपति महाराज के सजे हुए हैं। गणपति महोत्सव चल रहा था और आज भी गली में मुझे कई मूर्तियां मिली हैं, सबको नमन करते हुए। भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, इन सबका रूप उनमें दिखता है। तो मेरा निवेदन है, पहली बात सुनिएगा, सुनिए कि जब अनलासुर को लंबोदर कर लिया पेट के अंदर है, अनलासुर नाम के दैत्य ने जब आतंक किया तो गणेश जी महाराज उस दैत्य को अपने पेट में निगल गए। जो अग्नि के रूप में अनलासुर है ये उसको पेट में जब निगल गए तो देखिए होता क्या। या बेटे, जब अनलासुर को लंबोदर कर लिया पेट के अंदर है,
तब तन में जलन हुई पैदा तो पहुंचे जाए समंदर है। ये क्योंकि वो आग के रूप में था, गणेश जी महाराज ज्यों ही उसको निगल गए तो उसकी आग इतनी प्रज्वलित हुई, इतनी गर्मी बढ़ गई आदरणीय गणेश जी को कि गणेश जी को तपन मचने लगी शरीर में। और जब जलन मचने लगी तो गणेश जी महाराज जल विहार करने के लिए जा रहे हैं। देखिए होता क्या बटे। अरे जब अनला सुर को लंबोदर कर लिया पेट के अंदर है, तब तन में जलन हुई पैदा पहुंचे जागे समंदर है, पहुंचे जागे समंदर है, पहुंचे जागे समंदर है, पहुंचे तब जाए समंदर है। और जब पहुंचे तो ये तपन मिटे कैसे, सोच रहे हैं गणेश जी। पहले दिन नहाया जलन नहीं गई, दूसरे दिन नहाया जल विहार किया उस समंदर में लेकिन जलन नहीं गई। धीरे धीरे करके देखिए होता क्या है। ये जलन मिटे कैसे ये विचार कर रहे, भैया हमारे पप्पू नौतिया कांच वादक इनकी तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद आया है, बार बार नमन करता हूं, सुनेगा। गणेश जी सोच रहे हैं ये जलन मिटे कैसे ये विचार कर रहे, तो सिंधु के जल में गणपति जल विहार कर रहे। और क्रांतिमाला जी एक दो दिन नहीं, पूरे 10 दिन उन्होंने उस सिंधु जल में जल विहार किया है, तब कहीं उनके शरीर की तपन मिटी है। तो सोच रहे गणेश जी ये तपन मिटे कैसे ये विचार कर रहे, तो सिंधु के जल में गणपति जल विहार कर रहे, सिंधु के जल में गणपति जल विहार। बेटे अगली बात सुनिएगा, सुनिए। शिवनाथ सहाय रामनाथ, ये बेटे क्या बात है बेटे, वेरी गुड। जगन्नाथ ही विश्वनाथ है, एक दूजे के उर में रहते ये नाथों के भी नाथ है, ये नाथों के भी नाथ है, ये नाथों के भी नाथ है, ये दूजे के दिल में रहते ये अनाथों के भी नाथ है। और जब अनाथों के भी नाथ हैं तो बार बार कहना पड़ा उनके चरणों में प्रणाम करते हुए। एक बार भोले बाबा भगवान विष्णु दोनों लोग गए जल विहार करने के लिए, हुआ क्या, एक दूसरे के साथ में इतने घुल मिल गए, इतने एक दूसरे के दिल में रहते हैं ये लोग, एक दूसरे के दिल में रहते तो हुआ क्या। शिवनाथ सहाई रामनाथ, जगन्नाथ ही विश्वनाथ है, एक दूजे के उर में रहते ये नाथों के भी नाथ है, ये नाथों के भी नाथ है, ये नाथों के भी नाथ है, ये नाथों के भी नाथ।
बढ़कर दोनों का क्या मतलब बेटे दोनों बढ़कर दोनों का सत्कार कर रहे अगर भगवान विष्णु नमन कर रहे हैं तो भगवान शिव उनसे ज्यादा नतमस्तक हो रहे हैं भगवान शिव जब नतमस्तक हो रहे हैं तो विष्णु भगवान उनको तुरंत उठा लेते हैं एक दूसरे का इतना सम्मान करें सुनिएगा सुनिए कार्य कर रहे वो अपने प्रकट तिल के वो अपने प्रकट तिल के उद्गार कर रहे तो हरिहर दोनों सिंधु जल हरिहर दोनों निधि जल में हरिहर दोनों चल निधि में जल विहार कर रहे तो हरिहर दोनों जल निधि में जल विहार कर रहे देखिए पहले गणेश जी महाराज जल विहार कर रहे हैं फिर भगवान हरि और हर दोनों जल विहार कर रहे हैं अब मेरी तीसरी बात क्या कह रही है क्रांतिमाला जी सुनिएगा सुनिए नोट करिए श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों सरयू आए हैं जय हो क्या बात बेटे शाबाश वाह बेटे वाह वाह जियो श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों सरयू आए हैं श्री राम लखन श्री लखन लाल गायब हो गए पाताल में खुशी मनाए हैं चारों भाई जल विहार करने के लिए सरयू में गए लेकिन अचानक अचानक लक्ष्मण जी वहां से गायब हो जाते हैं पाताल लोक में पहुंच जाते हैं राजा हर्ष के यहाँ वहां पे जल विहार मना रहे सुनिएगा सुनिए यहाँ पे तीनों भाई अचंभित हो गए कि लखनलाल जी गए कहाँ लेकिन कुछ समय बाद वो फिर आ गए वहीं पे हुआ क्या सुनिए सुनिए श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों सरयू आए लखनलाल गायब हो गए पाताल में खुशी मनाए पाताल में खुशी मनाए खुशी मनाए तो देखिए हुआ क्या क्या बेटे मृदुल हर्ष लक्ष्मण का ये अरे मृदुल हर्ष लक्ष्मण यूं सत्कार कर रहे मृदुल हर्ष लक्ष्मण यूं सत्कार कर रहे तो चारों के अरे सरयू के जल में चारों जल विहार कर रहे यहाँ पे राम दरबार भी सजा है और राम दरबार में सभी देवता हैं अर्थात इन चारों भाइयों ने भी जल विहार किया आदरणीय क्रांतिमाला जी जल विहार बहुत से हैं लिखने की बहुत सी जगह है लेकिन प्रयास देखिए मृदुल जी का सुनिएगा सुनिए एक प्यारा सा गीत सुना रहा हूँ इस जल विहार के माध्यम से क्या बात है बेटे मृदुल हर्ष लक्ष्मण का सत्कार कर रहे सरयू के जल में चारों जल विहार कर रहे सरयू के जल में चारों जल विहार कर रहे सरयू के जल में चारों जल विहार Yeah!
हर्ष लक्ष्मण का, अरे मृदुल हर्ष लक्ष्मण का सत्कार कर रहे। ये तो सरयू के जल में चारों जल विहार कर रहे, सरयू के जल में तालियों के लिए बोल राजा रामचंद्र की जय, गणेशी महाराज की जय, धनुर्धारी महाराज की जय, सभी देवताओं की जय, सभी माताओं की जय। स्वागत कर रहा हूं अपनी सहयोगी पार्टी का, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी आदरणीय पार्टी का। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और ये कुछ आशीर्वाद है भैया हमारे।